दो दिवसीय इस तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि NDMA के मार्गदर्शन में उत्तर भारत के 9 ऐसे राज्य जो किसी न किसी प्रकार की आपदा से कम या ज्यादा प्रभावित रहते हैं उनका यह क्षेत्रीय सम्मेलन आज यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी विभिन्न राज्यों से आए हुए अतिथियों का, SDMA से जुड़े हुए पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दो दिवसीय यह क्षेत्रीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सम्मेलन आयोजित हो रहा है और देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने और क्षेत्रफल के जिससे भी देश के अंदर एक बड़े राज्यों में होने के कारण उत्तर प्रदेश के सामने आपदा से संबंधित चुनौतियां भी उसी प्रकार की हैं। मेरा यह मानना है कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं, बचाव के उचित उपाय किए जाएं, तो आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान को न्यूनतम लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस संवेदनशील प्रश्न को ध्यान में रख करके NDMA को और सक्रिय करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। उनकी अच्छी ट्रेनिंग तो हो ही, साथ साथ जनपद स्तर पर आपदा मित्रों की तैनाती भी हो। बाढ़ जैसी आपदा, ऐसा नहीं कि उसको नियंत्रित न किया जा सकता। कुछ तो वास्तव में प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित भी हैं। अगर नदी के कैचमेंट एरिया में अनावश्यक बस्तियां बसेंगी तो आपदा अपना विकराल रूप धारण करेगी ही करेगी। लेकिन अगर हमने ईमानदारी के साथ उस आपदा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए तो उस पर नियंत्रण भी संभव है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के अंतराल में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आती है। मैं विगत वर्ष भी देख रहा था, इस वर्ष भी देख रहा था। विगत वर्ष पहले हमारे उत्तर से जुड़े हुए जनपदों में बाढ़ आई थी, जो नेपाल से सटे हुए जनपद हैं, और उसके बाद फिर गंगा और यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ उन क्षेत्रों में देखने को मिली थी। इस वर्ष इसका उल्टा था। इस बार पहले गंगा और यमुना से सटे हुए जनपदों में, जिन जनपदों से गंगा नदी और यमुना नदी गुजरती है, उन जनपदों में पहले बाढ़ आई और उसके बाद में फिर नेपाल से सटे हुए जनपदों में। समय से की गई तैयारी और बचाव के उपाय, जैसे नेपाल से सटे हुए जो जनपद हैं, हिमालय से आने वाली नदियों के कारण वहां बाढ़ आती है, और मैं देखता था कि बहुत सारी जगह तो बाढ़ का कारण स्वयं मनुष्य और ठेकेदारी प्रथा है। जैसे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में एक जगह है एल्गिन ब्रिज। एल्गिन ब्रिज में पता नहीं कब से बाढ़ के नाम पे हर वर्ष 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते थे, और जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मेरे सामने वहीं का प्रस्ताव आया। तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा साहब बाढ़ रोकने के लिए। तो मैंने कहा क्या पहली बार रुक रहा है?
कहा नहीं साहब ये हर साल होता है। तो मैंने कहा हर साल 100 करोड़ खर्च होते हैं? कहा। मैंने कहा उसको बंद कर दो, यह कार्य नहीं होगा। कहा साहब नुकसान होगा? तो मैंने कहा एक बार नुकसान होने दो, देख तो लेंगे कितना नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 38 जनपद थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। अगर मैं विगत वर्ष की बात करूं तो ये मात्र 4 जनपदों तक सीमित हो गया है। प्रबंधन और उसके साथ नेक नियति, यह एक संबंधित विभाग से जुड़ी हुई, और दूसरा समय पर किए गए प्रयास। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है, एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी और उनकी अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ ही उस कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाया गया है। पीएसी की 17 ऐसी कंपनियां हम लोगों ने गठित की हैं जो फ्लड यूनिट के रूप में और आपदा के समय में कहीं भी राहत कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, और वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है।